संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं। खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग बम्बई। ये अब देखना इसके बोध सागर में, ज्ञान बोध के अंदर बोध सागर में, ये है ज्ञान बोध और ये बोध सागर में 21 पृष्ठ पर सुनाते हैं। धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलत मिसप्रिंट कर रखा है, नाम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भर्म नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम रे मिट जाई। भरम गए जग भेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है नाम नहीं। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। राजा राम को सब जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। कहती राजा राम तो ही को सुप्रीम गॉड मान रहे हैं। अब ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ही मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब बताता हूं उनकी माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, ही पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनो सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। अब ये संशोधक थे ना एक कबीर पंथ के, इन्होंने यहाँ क्योंकि वो कबीर साहब को गॉड नहीं मानते, उन्होंने यहाँ करा टेर सुनी तहाँ हम आए। हम तहाँ आए, ये सतगुरु लिख दिया इन्होंने, तहाँ हम आए और अष्टंगी को बंद छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा के पहले स्त्री योनि नहीं थी। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव और ये विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। कहते काल के तीनों पुत्र इस विस्तार को चला रहे हैं, ये सारा संसारिनी को भगवान मान के और यहाँ धोखा खा रहा है इनको पूर्ण परमात्मा मान के। पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। कहते अपने तीनों पुत्रों को ये तीन लोक जिस पर युग काल अपना आहार पैदा कर रहा है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों को अपने पुत्रों का अधिकार बना दिया है। तीनों लोकों का एक एक मंत्री बना दिया, रजगुण विभाग का ब्रह्मा, सतगुण विभाग का विष्णु, तमगुण विभाग का शंकर। ये हमारे को यहाँ पैदा करते हैं, रोके रखते हैं और मार के अपने पिता काल के पास भिजवा देते हैं। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन वसा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाणा, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। तीन देव सो उसको धावे,
निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। अलख निरंजन यु काल जो है बड़ा बट पारा माने ठग है, जाल साज है, तीन लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाओगा, अपने पुत्रों को भी मारेगा, यू इन छोड़े को नहीं और खाओगा। तीन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुर्गा और काल के बेटे हैं, और ये ज्ञानहीन अंधे प्राणी इन्हीं की पूजा में लगे रहते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी जग गैलीन्या, ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा, तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्म दास में कहूँ पुकारा। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी का ही ये सब ढूंढ खेल चल रहा है तीनों लोकों में। गुण तीनों की भक्ति में, अहे भगवान, यह कहते गुण तीनों की भक्ति में। ये कोड वर्ड गीता में देखना, सातवें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक यही कोड वर्ड है। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में, यो भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। पुनात्मा, यदि परमात्मा 600 वर्ष पहले ना आते और वो लीला ना करते जो भगवान किया करते हैं, तो हम परमात्मा को कभी नहीं पहचान सकते। आज चौथा युग आ गया, और तीन युग में थोड़े समय नहीं होता, 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब 43,00,000 में तो लगभग 40,00,000 वर्ष जा लिए, 40,00,000 वर्ष तक इस चतुर्युगी में आज तक किसी को कह कह का पता नहीं, केवल उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान डायरेक्ट आकर मिले थे और उनको अपनी महिमा से परिचित करवाया, या आज इस दास पर रजा बख्शी है, या आप उनकी पुण्यात्माओं को यह खजाना मिला है। अब 600 वर्ष पहले मालिक ये सब लिख कर बोल कर चले गए थे, आज सब ग्रंथ प्रमाण देते हैं। अब आपको दिखाते हैं शिव पुराण में जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था, और ये पुराण 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई है। और पुण्यात्माओं, आज तक पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को ये अज्ञानी गुरु ब्राह्मण ये सिलेबस भी ना समझ सके, हमारा जो सब्जेक्ट उनका था उसको भी नहीं समझ सके। हमारा सिलेबस है ये पुराण गीता और ये वेद, इनके विषय में भी ये नहीं जानते थे, तो ये टीचर ठीक नहीं थे। इन्होंने हमारा जीवन व्यर्थ कर दिया, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे, और ले रहे तीन राख, उल्टी लाच डाइयो करो अपोठी चाक, या पटरी तो नीचे गाड़ी चली गई इसने अपनी ने, फिर पटरी पर धर लो और लाओ चौथा गेर। अब देखो शिव पुराण, समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संक्षिप्त शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक के मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता शिव पुराण, अब पृष्ठ नंबर हम 98 से लेते हैं नीचे से। ये अध्याय 5 खत्म हो गया रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब 99 पृष्ठ पर रुद्र संहिता छठा अध्याय, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा,
अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात होती थी। उसमें तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। है ये ओम तत् सत में, ये सत पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। अब फिर क्या बताता है, 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में देखो, अब ये कहाँ से शुरू करते हैं, इस काल को ये परब्रह्म बोल रहा है ब्रह्मा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, ज्ञान और अज्ञान सच्ची झूठी पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब वह निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। यानी ये निराकार माना है काल को, ब्रह्म को, और कहते फिर वो आकार बन गया। आकार बना तो कौन बन गया, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति, भगवान सदाशिव है। अब शिव युकाल, शिव रूप धारण करके आ गया युकाल। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब यहाँ अंग माने शरीर होता है। अब जैसे वेदों में अंग अंग अंगीश्वर अंगीर है, तो सह शरीर परमात्मा के विषय में जानकारी है, जो उसके श्री अंग से उनके शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये काल दुर्गा काल के पेट में चली गई। अब ये परमात्मा कबीर जी से सुना था यो ज्ञान, पर सच्चा नहीं मानकर कुछ उनका ज्ञान कुछ अपना ज्ञान का इस ब्रह्मा ने जोड़कर ये बताया है, उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। ये क्या कह रहा है, उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक दुर्गा को निकाला, जो उनके अपने श्री अंग से यानी शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब उस दुर्गा को दुर्गा से धोती है, उसके सारे यहाँ उसके विश्लेषण बताए गए हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, ये भी ध्यान रखना कि प्रधान और प्रकृति दुर्गा को कहा जाता है, ये गीता जी में काम आओगी आपके। और वही शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, फिर शब्द दोहराया प्रकृति दुर्गा को बोलते। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब सदाशिव इस काल के पेट से निकली थी, परमात्मा ने निकाली थी, इसने खा ली थी, इसके पेट में चली गई थी अपना इज्जत बचाने के लिए, और उसकी 8 भुजाएं, क्लियर हो गया कि ये दुर्गा है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, उसके शरीर की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट, एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब ब्रह्मा बोल रहा है, काल की महिमा गा रहा है, और फिर क्या बताते हैं, अब वो काल के बारे में बता रहा है ब्रह्मा, ब्रह्म के बारे में। वे अपने सारे अंगों में बसम रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको सदाशिव कहो चाहे काल ब्रह्म कहो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है,
शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था।